शहर में जगह जगह अतिक्रमण यातायात व्यवस्था में बाधक है। सड़क पर दुकान शहर की यातायात व्यवस्था को चरमरा चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस का पूरा फोकस वसूली पर है, जबकि जनता जाम से जूझ रही है। दुबिया टंकी से अस्पताल चौराहा, गल्ला मंडी, प्रकाश चौराहा, खन्ना चौराहा और वेंकट टॉकीज के समीप का तिराहा सुबह से ही पूरा शहर जाम की आगोश में रहा। शायद ही ऐसा कोई मार्ग है जहां पर जाम के हालात ना हो। 108 एम्बुलेंस मरीज के लिए ले जाने के लिए घंटे भर जाम में फंसी रही। स्कूल से बच्चों को घर लाने के लिए अभिभावक परेशान रहे। नगर पुलिस अधीक्षक स्वयं जाम में फंसे रहे। नगर निगम आयुक्त भी जाम में फंसे रहे, लेकिन इस दौरान ट्रैफिक पुलिस कहीं भी नजर नहीं आई। करीब एक घंटा तक लोग जाम में जूझते रहे और ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई दिखी। कुछ स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस नजर भी आई, लेकिन वे सब दुरुस्त करने में नाकाम साबित हुए। सुबह से ही जाम लगा रहा। सबसे ज्यादा समस्या एमिया मार्ग जैस्तम से धोबिया टंकी के बीच देखने को मिली। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक व्यवस्था कंट्रोल नजर आई। रोड जाना है और पौने घंटे से हम इस जाम में फंसे हुए हैं। पौन घंटे से आपको? पौन घंटे से जाम है और गाड़ी जरा भी हिल नहीं रही है। क्या कारण मानते हैं ये? सब प्रशासनिक हो सकता है, भगवान जाने अब क्या है, अब क्या बताएं, कुछ कोई देखने को है नहीं। कौन से काम से जा रहे हैं यूनिवर्सिटी आप? हमारा तो क्लिनिक है उधर, हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। जी, क्या नाम लिखते हैं आप? जान दो। यहाँ पर आप जाम में लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं और क्या मानते हैं? घंटे डेढ़ घंटे से हम लोग फंसे हैं। ये वन वे होना चाहिए, चूँकि रोड सकड़ा है और रोड को चौड़ीकरण करने की ज़रूरत है, जिससे पब्लिक का जो दबाव है वो कम जाए। और वन वे होना चाहिए, टेम्पो की तादाद बढ़ गई और टेम्पो की तादाद की वजह से पब्लिक का निकलना थोड़ा सा संकेत है, और जगह कम होने की वजह से वन वे ट्रैफिक दिया जाए। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? लोगों ने रोडों में अतिक्रमण किया, इस वजह से रोड कवर करके रखा है। काफ़ी दिक्कत हो रही है, आदमी घंटों से परेशान है पूरा पब्लिक, इस पर प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या नाम लिखते हैं आप? हम बलबीर द्विवेदी लिखते हैं। आधे घंटे से फंसा हूँ, बच्चों को लेने जा रहा हूँ और मेरे दोनों बच्चे हैं। आधे घंटे मतलब उधर से भी गाड़ी, उधर से भी गाड़ी, इधर से भी गाड़ी। तो क्या इसको मानते हैं, क्या क्या कारण इसको मानते हैं, कैसे इसकी सुधार हो सकती है? आप वाहन चालक भी हैं और फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो क्या इसके लिए होना चाहिए? यहाँ पे ट्रैफिक अमलदार होना चाहिए और प्रशासन की नाकामयाबी है, और क्या प्रशासन को चाहिए कि व्यवस्थित करके रखें। क्या यहाँ लोग ट्रैफिक के प्रति जागरूक हैं या नहीं? नहीं नहीं, इसके सुधार के लिए सिर्फ ऑटो पर कंट्रोल करना है और अपने में भी कंट्रोल रखना है। अगर यात्री और वाहन चालक अपने में कंट्रोल रखे तब भी संभव है, सिर्फ पुलिस के द्वारा ये संभव नहीं है। अगर पढ़े लिखे लोग रास्ता जाम न करें तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। दूसरा ये है कि लाइसेंस देते समय भी RTO इसका ध्यान रखे कि कौन लाइसेंस धारक पात्र है या नहीं है, या चालन का नियम जानता है या नहीं जानता। शहर में ऑटो पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये कैसे कंट्रोल होगा ऑटो पर? पहली तो ये है कि इनका जो मुँह तिकोना हिस्सा है, उस तिकोने हिस्से को चौकोर बनाएं, आगे गार्ड लगाएं, जिससे ये जिस तरह से घुसते हैं वो घुसना बंद हो जाए। तो 25% तो ये तरीका ख़त्म हो जाएगा कि इनकी वजह से जाम। दूसरा ये है कि इनका रूट तय किया जाए, रूट के बाहर भारी जुर्माना इन पर किया जाए, इसलिए ऑटो पर कंट्रोल। ज्योति स्कूल के पास भी लगा हुआ है जाम? ज्योति स्कूल के पास एक घंटे जाम लगा था दोनों साइड से। क्या कारण है वो तब? एक कारण तो ये है कि पढ़े लिखे लोग चारों लेन में जाते हैं, एक साइड से घुस जाते हैं दूसरी लेन। क्या जगह कम पड़ रही, सड़कें कम पड़ रही हैं? जगह कम नहीं है, सुबह जब मॉर्निंग वॉक में आदमी जाता है तो चार गाड़ियाँ एक साथ निकलने की पर्याप्त जगह है। दुकानदारों की ये इंक्रोचमेंट और उनकी जो पार्किंग होती है गाड़ियों के, वो भी एक कारण है। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं देवेंद्र तिवारी, मैया रिवा टीवा से लिख राज मोटवानी की रिपोर्ट।